ईटन घर में। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रिक पोल है। ये कितना हजार का वाट का मेरे को मालूम नहीं है, मगर ये इलेक्ट्रिक पोल है। ये नदी में ये बना हुआ है, कम से कम ये 3 महला बिल्डिंग के ऊंचा है इसका पिलर जो है। और इलेक्ट्रिक जो पार्किंग हो रहा है, आवाज मेरे को सुनाई दे रहा है ऊपर से। इसके नीचे जो है अर्थिंग भी लगा हुआ है इसमें। दोस्तों ये 6 खंबा है, 6 खंबा में एक टावर खंबा जो है बहुत मजबूती से बना गया है ये। दोस्तों और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर में ही है, पानी दिखाई दे रहा है उधर, देख सकते हैं उधर दूर में ही पानी दिखाई दे रहा है, ना दूर नहीं जाएंगे। सब लोग मेरे इंतजार कर रहे हैं, मैं फिर जा रहा हूँ घर आरती जी को लेकर, वही घर जाने वाला हूँ। दांत नहीं, दांत होवे, दांत होवे। दोस्तों ये हमारा पोता है, देखिए ये हमारा पोता है, हम आए हैं। इसका आज अन्नप्रसन्न है, हमारे बंगाली में तो अन्नप्रसन्न बोला जाता है और बाकी हमको पता नहीं। हम जल्दी, हम जल्दी में आ गए इसलिए। ये देखिए गिफ्ट नहीं ला पाए, और हाय वो हाय कर रहा है दोस्तों। और ये बोरत हम गए थे, खतरा तो इधर है भी, धर बाला सख्त कर इधर है वो तो बुद्धि है। तो दोस्तों इसका दोस्तों 1400 सब्सक्राइबर है, देखिए पहली बार हमें सब्सक्राइबर मिले। हाय गाइस, दोस्तों हम लोग निकल गए भांजे के घर से, हम लोग निकल गए। ये नया ब्रिज है और अच्छे भुवनेश्वर जो है, ये नया ब्रिज है। नया ब्रिज कटक में देखने वाला चीज बहुत कुछ है, और उनमें से एक है कटक का महानदी। जो कटक जाना जाता है वो महानदी के लिए जाना जाता है, तो ये है कटक का महानदी। कितना किलोमीटर तक फैला है ये? 3 किलोमीटर दोस्तों, 3 किलोमीटर का ब्रिज है ये। नहीं नहीं, महानदी कितना दूर तक फैला है हम लोग नहीं बता सकते। नहीं बहुत बड़ा है, ये बोलना नामुमकिन है कितना दूर तक फैला है। तभी पानी सूख गया है, फिलहाल पानी नहीं है, बहुत दूर तक है कटक का महानदी चल रहा है। देखिए 3 किलोमीटर तक चलता रहेगा, यहाँ तक देखिएगा खाली बालू ही बालू है चारों तरफ। अब ब्रिज ऐसे दिखाओ, ऐसे सामने दिखाओ ब्रिज। दोस्तों ये है कटक का महानदी, दो तरफ इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। हम लोग ब्रिज से सीधा जा रहे हैं, चलिए।